सो व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीडे टेक बॉस हियर एंड गाइस, आज मैं कुछ मतलब टेक्नोलॉजी से हटके बात करने वाला हूँ। आज अपन वर्ल्ड बात करने वाले हैं वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स 2019 के बारे में। जैसे कि आप लोगों सबको पता है, अपन बाहर हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअली चीटिंग के जैसे बाहर हुए हैं, सीधी सीधी बात है। मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है, जैसे हमारी स्टार्टिंग जो हुई थी वो बहुत ही बेकार हुई थी। धोनी वन पे मतलब सॉरी केएल राहुल वन पे आउट हुआ, रोहित शर्मा वन पे आउट हुआ, और उसके बाद हमारे विराट कोहली भी वन पे आउट हो गया। तीनों एक 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 पे आउट हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं थी हमको। वहीं लग गया था कि हमारी मैच, हम वहाँ से मैच हार जाएंगे, लेकिन फिर ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने पारी संभाली। ऋषभ पंत ने काफ़ी अच्छा खेला आज, और उसके बाद ऋषभ पंत आउट हुआ, हार्दिक पांड्या आउट हुआ, उसके बाद धोनी और जडेजा ने इतनी अच्छी पारी संभाली कि हमको एक बार के लग रहा था कि ओवर लास्ट ओवर की एक दो बॉल बचेंगी, जब भी जीत जाएंगे हम, जब भी जीत जाएंगे, जिस फॉर्म में जडेजा खेल रहा था। अब जहाँ तक हमको पता, जडेजा आउट हो गया था जल्दी ही जल्दी, लेकिन उसके बाद जब धोनी आउट हुआ था, वो एक तरीके से साफ के साफ चीटिंग थी। जैसे आप लोगों को पता है कि वर्ल्ड कप में आप 45 ओवर के बाद 5 फील्डर 30 यार्ड के बाहर रख सकते हो, लेकिन 6 नहीं रख सकते। और जब धोनी आउट हुआ था, जब 6 प्लेयर्स बाहर थे, आपकी स्क्रीनशॉट आपके सामने शो कर रहा हूँ मैं, 6 प्लेयर्स थे बाहर, इट मींस दैट वाज अ डेड बॉल। अगर उसको नो बॉल दिया जाता और जैसे कि आप लोग देख सकते हो हेड विकेट था, लेकिन 6 प्लेयर्स बाहर थे, तो वहीं उसको चीटिंग कर दिया थी। एकदम साफ साफ चीटिंग करा गई है, और इससे बड़ी बात, इससे बेकार बात इंडिया टीम के लिए क्या हो सकती है कि चीटिंग से हारे। पता नहीं इंग्लैंड के थर्ड एम्पायर्स क्या कर रहे हैं, मतलब उनको किस काम के लिए गया, क्योंकि एम्पायर ने जब भी थर्ड एम्पायर को भेजा था, थर्ड एम्पायर की ड्यूटी है सारी चीज़ें चेक करना। उस थर्ड एम्पायर ने जब भी चेक नहीं किया और उसको आउट करार दे दिया बिना चेक करे कि 30 यार्ड के बाहर कितने लोग थे, सीधे सीधे वो नॉट आउट था। मतलब इंडिया में भी होता ना तो थर्ड एम्पायर को चेक करता। पता नहीं इंग्लैंड के एम्पायर्स के पागल हैं या फिर उनको क्रिकेट का कुछ पता नहीं है। आप लोग 6 प्लेयर्स बाहर रख ही नहीं सकते सर्कल के, साफ साफ वो नॉट आउट होता है। और फिर जब भी धोनी को आउट दिया उन्होंने, और ये चेक करना होता है, क्योंकि धोनी जैसा प्लेयर आउट हुआ है, कोई अगर मान लेते जडेजा इस चीज़ पे आउट होता, कोई और आउट होता तो मान भी सकते थे, लेकिन धोनी जब तक क्रीज पे था इंडिया जीत रही थी, आराम से जीत रही थी, क्योंकि उससे दो बॉल पहले धोनी ने छक्का भी मारा था, इसलिए वो आराम से हम लोग जीतते। लेकिन नहीं, जिताना ही नहीं है हमको, और ये चीटिंग से, आराम से चीटिंग से फाइनलिस्ट बनी न्यूजीलैंड, दैट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। शेयर करो इस वीडियो को जितना कर सकते हो, और पहुँचा दो अपने सारे दोस्तों के पास, और ICC को अपन करेंगे एक इस बात की कंप्लेंट कि आगे से चेक की जाए, आगे से किसी के साथ, इंडिया टीम के साथ नहीं, किसी के साथ ये चीटिंग ना हो। और कर दो शेयर फटाफट, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।